इस बार चार बड़े बड़े डिब्बे आए हैं शीन से, पता है क्यों? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हो गए हैं, प्लस आज है शीन की 10th एनिवर्सरी, मतलब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शीन की 10th एनिवर्सरी, तो शीन वालों ने मुझे इतने सारे डिब्बे भेजे हैं। हालांकि शीन जब भी यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन करता है तो वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम कपड़े खुद सिलेक्ट कर पाए, तो ये ड्रेसेस मैंने सिलेक्ट किया है लेकिन ये उनकी तरफ से आया है। उन्होंने बस मुझे बोला है कि आप इसका रिव्यू कर दो, आप चीजों को देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप अपने व्यूअर्स को बताओ कि वो भी और शीन से ये सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। शीन ग्लोबली आपको हर जगह मिल जाता है, इसकी इंटरनेशनल वेबसाइट होती है, तो आप किसी भी शहर, कोने, गांव, कस्बे, कहीं पर भी हो, शीन की डिलीवरी हो जाती है। जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैं आपको दिखाऊंगी सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि शीन की एनिवर्सरी है तो एक कूपन कोड जो फ्लैश हो रहा है ये यूज करते हो तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा। शीन के सारे ड्रेसेस बहुत अच्छी होती है, मेरे मोस्टली जितने भी वीडियोस में मैंने कपड़े पहने होते हैं मोस्टली वो शीन की तरफ से ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार शीन से मुझे क्या कुछ मिला है। डिस्क्लेमर, ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ इन सारा क्लोथिंग आइटम्स का। इसके अंदर है कुछ शूज, बैग्स, क्लचर्स, मेन के कपड़े, विमेन के कपड़े और भी बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब मोस्टली मेरी सारी वीडियोस के सारे कपड़े ना शीन के होते हैं, इनफैक्ट प्रिंस भी आजकल शीन के ही कपड़े पहन रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको शीन का ये बैग दिखा देती हूँ। ट्रस्ट मी गर्ल्स, ये बैग जितना रियल में खूबसूरत है ना, इसकी खूबसूरती कैमरे पे आप देख नहीं पा रहे हो, पर मेरा दिल आ गया है इस बैग पे। ये मेरे बैग कलेक्शन में से अब तक की सबसे बेस्ट बैग कलेक्शन रहा है। पास से मैं दिखाऊं तो इसके अंदर स्टोन है, मार्बल्स हैं और डायमंड्स कुछ हैं। जहाँ से हैंडल से मैंने पकड़ रखा है वो एकदम हीरे जैसा लगता है, हालांकि ये नकली हीरा है लेकिन फील वैसा सा ही आता है। इसकी क्वालिटी अच्छा है, इसका पैटर्न बहुत प्यारा है, डिज़ाइन अच्छा है, तो किसी बड़ी अच्छी पार्टी इवेंट वगैरह में अगर आप जाते हो तो ये कैरी करने के लिए सुपर्ब है। इट्स रियली लुकिंग प्रिटी, इजंट इट? ये जो अगला बैग मैं आपको दिखा रही हूँ ये फॉर्मल ऑफिस पार्टीज में अगर आप जाते हो या नॉर्मली आप शॉपिंग करने बाहर जाते हो तो ये आप कैरी कर सकते हो। ज़्यादा स्पेशियस तो दोनों ही बैग नहीं है, इन दोनों बैग में आप सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन, छोटे से लिपस्टिक, छोटा सा कॉम्पैक्ट पाउडर रख सकते हो या छोटी सी कंघी रख सकते हो या कुछ पैसे। ज़्यादा सामान इसमें आ नहीं पाएगा क्योंकि ऐसे बैग्स मोस्टली फैशन के लिए होते हैं। फैब्रिक इसका भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग मटीरियल है। दूसरा मैंने ये मेकअप बैग मंगवाया है, वैनिटी बैग आप इसको बोल सकते हैं, बट छोटा सा है, क्यूट सा है, तो ट्रैवल अगर आप करते हो और अपना सारा कॉस्मेटिक एक बैग में रख के जाना चाहते हो तो अच्छी क्वालिटी का है। अंदर आपको छोटा मिरर मिलता है, ब्रशेस रखने के लिए कंपार्टमेंट्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जिप से ये लॉक अनलॉक होता है और फैब्रिक बहुत अच्छा है। आप ये तो कैमरे में आप इसकी क्वालिटी समझ पा रहे होगी कि कितनी अच्छी है। जितनी भी ब्राइड्स देख रही हैं शीन हॉल मेरी, तो ये वाला पर्स स्पेशली मैंने उन लोगों को दिखाने के लिए मंगवाया है क्योंकि फ़ोटो में बहुत अच्छा लग रहा था और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये मेरे हाथों में लग रहा है फ़िलहाल। हालांकि डेली वेयर में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन कोई बहुत बड़ा ओकेजन इवेंट है या आप अगर ब्राइड हैं तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ये वाला नॉर्मल डेली यूज़ के लिए, कॉलेज के लिए या ऑफिस के लिए या फिर आप किसी भी छोटी मोटी जगह पे जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ सामान कैरी नहीं करना है, बेसिकली आपको कम सामान कैरी करना है तो आप ये रख सकती हैं। इसके अंदर आपको स्लिंग बैग भी मिल जाएगा, तो एज अ हैंड बैग, एज अ स्लिंग बैग आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप ऑफिस लुक के लिए कोई बैग ढूंढ रहे हो, इंटरव्यूज़ वगैरह में जाते हैं, ऑफिस की पार्टीज़ होती हैं या डेली ऑफिस भी जा रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल टच आता है इस बैग को लेके। इसका मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, स्ट्रॉन्ग बैग है और काफ़ी अंदर से स्पेशियस है और अपनी जितने भी ऑफिस के काम की चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर रख सकती हैं और एकदम लेदर का टच आता है, देख के लगता है कि ये लेदर का बैग है। एक्सट्रीमली गुड। ये वाला बैग मुझे कुछ खास नहीं लगा, जस्ट ओके ओके, बट हाँ ये वाला एक ऐसा बैग है जिसके अंदर सामान रखने की जगह काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है। अब मैंने जितने भी बैग्स आपको दिखाए ना, प्लीज आप बताओ कि आपको सबसे प्यारा वाला, सबसे अच्छा बैग कौन सा लगा। साथ ही साथ मैंने कुछ मेकअप ब्रशेस भी मंगाए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हैं। तो ये जितने भी मेकअप ब्रशेस मैंने मंगवाए हैं ये बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स के हैं, इसका ब्रिसल एकदम फेदर सॉफ्ट है और ये बहुत अफोर्डेबल है, ये बहुत बहुत सस्ता है। आप प्लीज लिंक पे क्लिक करके चेक जरूर कर लेना,
मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफी हद तक इसको यूज भी कर लिया है। अब जो यूज नहीं किया ये व्हाइट कलर में ही है, बाकी जितने कलरफुल है मुझे वो वॉश करना है। यूज कर चुकी हूँ और अच्छे से मेकअप आपका अप्लाई होता है, ब्लेंड हो जाती है चीजें। अगली जो ड्रेस है ये नाइटी है, इसका कपड़ा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब इसको पहन करके सोओगे तो मन नहीं करेगा उठने का, इतना ज्यादा सॉफ्ट है। तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा, पूरा नेट का वर्क है और एकदम लाइट पिंक व्हाइट का कॉम्बिनेशन है ये। अब मैं आपको शीन के कुछ फुटवेयर दिखाती हूँ। आपने ऐसी सैंडल देखी है, फॉर्मल कम कैजुअल लुक दे रहा है, आगे से फॉर्मल है लेकिन अगर आप अंदर पैर डालते हो अपने तो बहुत सॉफ्ट लगता है। ये फेदर्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट है, आपका मन ही नहीं करेगा ये शूज़ उतारने का, तो इसको पहन करके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, मन ही नहीं कर रहा मेरा हाथ हटाऊं, बहुत सॉफ्ट है ये। फुटवेयर्स इस तरह के बॉक्स में आते हैं और अंदर से भी बहुत अच्छे से पैक्ड होते हैं। मेरा साइज 38 है और अगर आपका साइज 38 है तो बिल्कुल परफेक्ट साइज में आता है और ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। और इसका यहाँ पे डिजाइन पैटर्न बहुत यूनिक है, ये जो रस्सी नहीं होती एकदम रस्सी जैसा यहाँ पे वर्क है और यहाँ पे मोतियां लगी हुई हैं, बहुत अच्छा है। इसका शाइन देखो एकदम क्लासिक, अगर आपके ऑफिस में पार्टी वगैरह है, कुछ स्पेशल ओकेजन है तो उसके लिए परफेक्ट शूज है। लुक एट द शाइन, ये रॉयल शूज तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं तो, फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह के लिए। ये नेक्स्ट फुटवेयर मुझे ब्राइडल स्पेशल फुटवेयर लगे, अगर आप रिसेप्शन पार्टी में जा रही हैं और ज्यादा हील वाला नहीं पहनना चाहती हैं क्योंकि बहुत देर तक आपको स्टेज पे खड़ा रहना होता है, तो उन दिनों के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है स्पेशली पार्टी ओकेजन के लिए। ये अगला फुटवेयर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही डिफरेंट टाइप का है ये, आप इसको डेली वेयर में कैरी कर सकती हैं या आप जब जाना हो आपको किसी मॉल में फॉर्मल मीटिंग में तो उस टाइम के लिए मुझे लगता है ये मस्ट हैव है। अच्छा लग रहा ना, बहुत क्यूट है ये, इसके अंदर एक अलग सी शाइन भी है, सैटिन का बना हुआ है ये। हालांकि इस बार मैंने अपने लिए कुछ खास क्लोथिंग मंगवाया नहीं है, मैंने मोस्टली शूज बैग्स और प्रिंट्स के कपड़े ही मंगवाए हैं तो वो बाद में दिखाती हूँ, पहले ये देख लीजिए। ये मेरी ड्रेस बैक बहुत प्यारा है, नेक मुझे बहुत प्यारा लगा इसका, इसके स्लीव्स बहुत अच्छे लगे, कलर भी इसका बहुत अच्छा है और कपड़ा फैब्रिक भी इसका बहुत कम्फर्टेबल है, ब्रीदेबल है। नेक्स्ट मैंने ये लॉन्ग श्रग मंगवाया है जो कि आगे से फ्रंट ओपन है और ये ऑल साइज में आता है, आप किसी भी साइज के, बेसिकली ये लॉन्ग श्रग है, टॉप टू बॉटम आपके आएगा, मतलब नीचे पैर घुटनों के नीचे तक ये श्रग जाता है। आप शॉर्ट्स के साथ पहने, स्कर्ट के साथ पहने, सूट के साथ पहने, किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको कैरी कर सकती है अपने स्टाइल में। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, कम्फर्टेबल है, कॉटन का है। प्रिंस को ऐसे आधा देख डर तो नहीं गए, क्योंकि अब सारे कपड़े प्रिंस के दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपके घर में कोई भी मेल है, तो आपके हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, भाई हो या पापा भी हो, तो आप उनको शीन से कपड़े उनके लिए भी आप देख सकते हैं या उनको ये वीडियो दिखा दे ताकि वो चूज कर पाए, क्योंकि एक से एक मेन के कपड़े हैं। प्रिंस के पास अक्सर पहले कपड़े कम हुआ करते थे क्योंकि उनको पसंद ही नहीं आते थे, लेकिन शीन से सारे कपड़े उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। ये सारे उन्होंने अपनी चॉइस से मंगवाया है, पसंद उन्होंने किया है, और आप बताओ उनकी पसंद कैसी लगी आपको, उनकी अच्छी लगी या मेरी अच्छी लगी। तो वाइट वाला जो मैंने पहले ट्रैक सूट दिखाया था वो बहुत ही अच्छा था और ये दूसरा वाला भी बहुत अच्छा, और मोस्टली ये विंटर कलेक्शन है, जैसे आपको पता है सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के हिसाब से, सर्दियों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सारे कपड़े मंगाए हैं। सारे कपड़ों का फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्वालिटी सुपर्ब है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, और बहुत सारे कपड़े आप ऑलरेडी इनको कई वीडियोस में आप देख चुके हो प्रिंस को पहनते हुए। हालांकि ये पैकेज कुछ टाइम पहले ही आ गया था, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि जैसे ही 1 मिलियन हो जाएगा तभी मैं आपको शीन हॉल दिखाऊंगी, और वैसे भी शीन की एनिवर्सरी है तो उसी टाइम पे दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया। हमारा 1 मिलियन भी हुआ और शीन की एनिवर्सरी भी नहीं, दोनों है, दोनों चीज़ें एक साथ। बाय द वे हैप्पी एनिवर्सरी टू शीन, आई लव देयर क्लोथिंग। और ये क्लोथिंग हॉल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा फैब्रिक, कौन सा कपड़ा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और जितने भी ड्रेसेस प्रिंट्स दिखा रहे हैं वो सारे फ्रंट ओपन है या फिर जैकेट या पुलोवर्स, स्वेट शर्ट्स ही दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला विंटर कलेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए इस वाली ड्रेस का फैब्रिक ट्रस्ट मी गर्ल्स बहुत ही प्यारा है, और कैमरे में भी शायद आप देख करके फील कर सकते हो कि इसका फैब्रिक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छा है। देखने में लग रहा है कि बहुत मोटा है लेकिन
हल्का कपड़ा है, आई डोंट नो मटेरियल का नाम क्या है, बट बहुत ही अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन वाइज भी देखे को, फैब्रिक की क्वालिटी भी देखे तो हर तरीके से ये ड्रेस बहुत अच्छी है। ये वाइट ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और ये कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और फैब्रिक ब्रीदेबल है, क्वालिटी इसकी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये प्रिंस कुछ अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, कोई अंदर नीचे व्हील नहीं लगी हुई है, ये बस ऐसे ही पैरों से ही रोटेट होकर के आपको पूरे कपड़े की टोटल लुक दिखाना चाहते थे। व्हाइट ड्रेसेस को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन व्हाइट बहुत रॉयल लगता है। ये मेरा फेवरेट है प्रिंस के जितने भी क्लोथिंग मैंने दिखाया उनमें से, सबसे ज्यादा मुझे ये वाला पसंद आया है। डिजाइन इसका हटके है, सबसे अलग है, साइड में आपको ऐसे जिप मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी के जिप है। कपड़ा एकदम फेदर जैसा हल्का है, तो फोम का कपड़ा है ऐसा फील होता है इसको पहनने के बाद। और विंटर्स में इस तरह की ड्रेसेस मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप जिम वगैरह जाते हैं तो भी इसको अपने ट्रैक पैंट के साथ पहन करके जिम जा सकते हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग पे जा सकते हैं, मतलब कहीं भी पहन सकते हैं नॉर्मली। और इसका भी फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, ये कॉलेज गोइंग बॉयज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट ये भी कॉलेज गोइंग है, या अगर ऑफिस गोइंग भी है आपके हस्बैंड तो आप उनके लिए भी ये देख सकते हैं। थोड़ा कूल सा लुक आएगा, जैसे ब्लू कलर ही कूल होता है उसी तरह से लुक भी कूल आएगा। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर पॉकेट भी है, पॉकेट वाली ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद है। अब मैंने ऑफिस बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑफिस पहन के जाएंगे, ऑफिस के बाद घर भी तो आएंगे ना, तो ये बहुत कंफर्टेबल क्लोथिंग है विंटर्स के लिए। तो प्रिंस पूरा राउंड लेते हुए आपको दिखा रहे हैं आगे पीछे हर तरीके से, हम लोग अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि कैमरे में आपको पूरी क्वालिटी अच्छे से दिखा पाएं। ये एक जीन्स मंगवाई है जो थोड़ी कटी फटी सी है, तो इस तरह की जीन्स अगर आपके मेल मेंबर पहनना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ नीचे जिप दी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, तो थोड़ा डिफरेंट लुक के लिए आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने मेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इतने सारे कपड़े सबको पहन पहन करके शूट करना दिखाना, दैट वाज रियली अ टास्क, बट फिर भी किया। ये ब्लैक जैकेट भी बहुत अच्छी लगी, ये लुक आ रहा है कि लेदर की जैकेट है, लेकिन जैकेट ये लेदर की नहीं है, ये रैक्सिन मिक्स लेदर की जैकेट है ये, और ये पूरा वाइट जैकेट है, ये भी लेदर देखने से लगता है पर लेदर नहीं है, ये मिक्स कपड़ा है, मिक्स फैब्रिक की क्वालिटी का है, बट अच्छा है। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, कैमरे में आपको कलर वाइट एकदम बाउंस हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी गर्ल्स, दिस वन इज़ रियली नाइस। के अंदर जिप आपके हाथों पे भी है और सामने चेस्ट के पास भी पूरा जिप है, चोर पॉकेट भी है, आप कुछ परे परे चुरा के रख सकते हैं। बाय द वे ऐसा करना नहीं, हाँ आई एम जस्ट किडिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि शीन से दिवाली की शॉपिंग आखिर आप कर कैसे सकते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप शीन से शॉपिंग कर सकते हैं। जो लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या पिन कमेंट में दे रखा है, वहाँ क्लिक करते हो आप तो शीन की वेबसाइट खुल जाती है। आप खुद देख लो, यहाँ पे है फ्लैट 80% ऑफ, और यहाँ पे आपको 90% ऑफ भी मिल सकता है। प्लस अगर आप इसको स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको मिलेगा दिवाली ऑफ़र, आपको मेन के कपड़े 219 से स्टार्टिंग है, आपको आपकी लेडीज़ ड्रेसेस अप टू 80% ऑफ मिल जाता है। तो आप देख लीजिए कितना अफोर्डेबल है। मेकअप के प्रोडक्ट्स 699 और 67 से घर डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं, ज्वेलरी आपको 73 से स्टार्टिंग मिलती है, मतलब इतना ज़्यादा चीप अमाउंट में बहुत ही अच्छा ऑफर है दोस्तों। अगर आप दिवाली की शॉपिंग करना चाह रहे हो तो यही सही मौका है। तो शीन से जितनी बार भी मैंने कुछ मंगवाया है सबकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। हर बार लकीली बोल लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग में, हर बार ऐसा नहीं होता कि अच्छी चीज़ें आ जाए, लेकिन शीन से मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें मंगाई हैं कंपेरेटिवली अमेजोन, मिंत्रा या किसी और शॉपिंग वेबसाइट से, मुझे यहाँ के प्रोडक्ट हमेशा अच्छे लगे हैं और अच्छे मिले हैं। और मेरी मोस्टली वीडियोज में मैं शीन के ही ड्रेसेस में होती हूँ। तो आप देख सकते हो ये कपड़े सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली के लिए और घर के लिए भी चीज़ें मिल जाती है। शीन की बेडशीट्स बहुत अच्छी है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो ये था आज का एपिसोड, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।